बंदूक है भाई, इतनी बड़ी बंदूक का मेरा समझ नहीं आ रही, भगवान कैसा मुझे देख रहा हूँ कितनी बड़ी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और गलत जगह छू रहा तो भाई अब अच्छा ये इल्जाम, एक और इल्जाम है इस पर भाई, गलत जगह छूता है आदमियों को बस, ठीक है। तो भाई अब सीन ऐसा है कि अरे यार ये फेर होगा क्या, उभर का आगा जोधपुर में हम लोग इस टाइम, और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे, 10:15 बज रहे हैं, 10:13 हो रहे हैं भाई। 15 मिनट के अंदर अंदर हमें नीचे पहुंचना पड़ेगा अगर हमें ब्रेकफास्ट खाना है तो, क्योंकि 200 रुपए एक्स्ट्रा भी भर रखे ना सारे भाइयों के। तो भाई जल्दी चलो अज्जू ब्रो, गेट अप मैन, चप्पल भी ना मेरे पे नंगे पैर ही जाऊंगा। भाई मैं और लक्ष्य आ पाए टाइम पे और हमें भी कुछ नहीं मिला, वहाँ का भूख के रह गए। सॉरी आ गया क्या अपना खाना, ला रहा है। तो भाई हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, यो क्या भैया पोहा है भाई, डाल दो भैया पोहा इसके में डालो, यो खाएगा पोहा तो, इसमें तो अभी मिला रखे आलू भुजिया अपना वो मंगाया ना पोहा तो खाता लिया मैंने। अरे तो खा लिया तो मैंने तो शुरू भी ना करा अभी, मेरी पूरी भी खानी शुरू कर दी तू ने, सब्जी डाल दी खा लो। अच्छा मेरी सब्जी डाल दी तूने, की वाला तले और भग जाएगा ऐसे करके भाई, वाह चीता ठीक है भाई, ले अब तो अपनी पूरी खाएंगे भाई। आगे भी आगे कौन आया, यो तो ना है यो ना है कोई और। भाई हम लोगों के साथ एक बीटी हो गई है, बीटी का मतलब बैड ट्रिप हो गई हम लोगों के साथ। आज हम जोधपुर में, हम अभी जोधपुर किला जा रहे हैं, यहाँ पे जो पीछे किला बता रहे जोधपुर का है, सफेद सफेद सतम का हो गया भाई, कितने सूख ले हो तुम, बहुत सारा कहाँ खा खाए, थोड़ा सा खा खाए भाई। और उसके बाद हमें क्या सीन मिला कि सैटरडे संडे होता है राजस्थान में कर्फ्यू, सारी चीज बंद होती है शाम को, मैं कहा यार ये क्या सीन होगा, क्योंकि हमको आज ही जैसलमेर निकलना था। भाई अब कैसे करेंगे, रूल ब्रेकर्स, वी आर रूल ब्रेकर्स भाई, केस मत ठोक देना भाई ठीक है, कुछ ना कर रहे, कुछ ना कर रहे, अभी प्लान करेंगे, अभी एक बार किला घूम के आते हैं उसके बाद बताते हैं आगे आगे क्या सीन है। नहा लूं पहले मैं, कल तक परसों तक ना नहाए, तुम भी ना नहाए, ऐसे मत देखो ठीक है ना, ऐसे मत देखो ठीक है। तो एक बार नहा लेते हैं इकट्ठे, ना रहे आओ, चलो आओ, चलो भाई मेरे कंधे मेरे बेताल बैठ के ना रहा मेरे पे। तो भाई नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, आज मैं पहनूंगा यो बेल बॉटम, मतलब नीचे का मेरा वो सौदा दिख गया सारा, यो बेल बॉटम पहनेंगे आज, पहनेंगे यो वाली। अरे बंद कर लेना इस म्यूजिक ने, कति वो हो रहा यार बेली ठीक है, जो पहनेंगे लेदर जैकेट, वैसे यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा बट कोई बात नहीं, पहनेंगे फैशनेबल भी तो हम भाई। कपड़े वपड़े पहन के ऑल सेट, मतलब ऐसा लग रहा हूँ ना जैसे कि टूरिस्ट आ रखे हो जोधपुर के अंदर। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जोधपुर पैलेस, जोधपुर पैलेस है ना वो है भाई, महल है, मतलब एक ही महल बताया है जोधपुर के अंदर घूमने के लिए नुकर भाई। जोधपुर पैलेस एक मंदिर है, पर हमारे पास सिर्फ पैलेस पैलेस का टाइम ही बचा मंदिर आते हुए, अगर इधर से है तो जाएंगे, पर अभी जोधपुर पैलेस जा रहे हैं। अपना सारा सामान हो चुका पैक, फोन भी आगे भैया चेकआउट कर दो 12:30 होगा, मगर भैया कर रहे हैं एक मिनट तो दे दो। तो सारे भाई आ चुके, रेडी भाई ऑल सेट, आवाज इनके इनके फेफड़ों में जान नहीं बच रही जो आवाज, रेडी यू असली नीच। फर्स्ट फ्लोर है भाई, फर्स्ट फ्लोर के लिए क्या लिफ्ट यूज करनी यार, भाई लगेज है ना, अच्छा लगेज है इसलिए ओह ओके होगा, फिर मैं अपने ढाके नीचे पहुंचू गाड़ी का, यो तो देख ले तौलिया चोर लाया होगा मेरा ही, मेरा यार घर तक मार यार तू अटैची मार भाई। ओ भाई इतनी बड़ी लिफ्ट ना है जो हम सारे आ सके, सब आ जाएंगे क्या, चलो जी चलो भाई निकल चुके हैं हम, अब यहां पे मतलब निकाल दिया गया हमको, एक मिनट अंदर का एसी चल रहा, अच्छा एसी हवा 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 चल रही है, भाई हम लोग निकल चुके मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए, मतलब उस फोर्ट का नाम है मेहरानगढ़। अभी देखो बिल्कुल सामने भी दिखाता फिर छुपगा, एक बार दोबारा पहुंचती दिखाऊंगा, उन्होंने कह गाड़ी ऊपर तक चली जाती है, मैं पूछूं मैं कहता भाई नीचे गाड़ी खड़ी करनी पड़े पैदल चलना पड़े, उन्होंने कहा ना भाई गाड़ी ऊपर तक जाएगी कोई दिक्कत ही नहीं। भाई मेहरानगढ़ फोर्ट जा रहे हैं, अभी दिखाता हूं नजारे, यहां तो बड़ा मस्त लग रहा है, बड़ा बड़ा सा भाई, किलो किलो को देख के ना मेरे को वैसा लगा कि यार मैं ना पिछले जन्म में शायद किसी की दासी था भाई, वो सबको ऐसे ही लगता है, सबको ऐसा लगता है, दासी वाला नहीं लगता, अरे मैं राजा लगता है सबको, तो यार हमें भी राजा लगता है कि भाई हम भी अपने टाइम के राजा हुआ करते थे पहले, है ना। यहाँ पे आके राजस्थान में आके ना मुझे चूड़ियों को बाजार याद आ रहा है गाइस, मतलब पिछले जन्म का कुछ रिश्ता है मेरा यार यहाँ से। अभी चलो एक बार किला पहुंचते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि किला कैसा, सामने दिख रहा तुम्हें पहाड़ और वो मंदिर दिख रहा है, ये इस किले की बाउंड्री बता रहे हैं, मतलब कि ये किला तो अभी यहाँ से मेरे हिसाब से 1.5 किलोमीटर दूर है, बट ये देखो वो रहा ना किला सामने, वो है ये बाउंड्री है जो भी है इसका सिस्टम, देख लो भाई ऐसे आता है और वो ओ डैम भाई, किले देख के ना मुझे आ जाता बहुत मजा। ये देखो तुम सामने पहाड़ सा दिखा तुम्हें, ये भी कुछ वही है इसका मतलब बाउंड्री है, और आगे जाके आएगा अभी किला, तो देखो लेफ्ट में किला दिखाऊं तुम्हें, तुम्हें मजा दिखा दूं किला दिखा के, ये देखो आया मजा, किला देख लिया, किले पे जा रहे हैं सीधी, वो रिवोरा भाई सामने दिखने लगा किला, बढ़िया
लो जूम करके दिखा देते हैं, लो बाहर से दिखा दिया और अभी अंदर से और दिखाएंगे। मैंने बड़ा मजा आएगा भाई, देखे यहाँ लोग भी रहते हैं, देखो लेफ्ट साइड में देखो लोग बस्ती है यहाँ पे, पुराने पुराने घर हैं पर बढ़िया भाई। ये देखो साइड में पहाड़, पहाड़ी रास्ता, गाड़ी, जानवर, गाड़ी खड़ी होगी पार्किंग के अंदर। यो सामने है मेहरानगढ़ फोर्ट और ये देखो इसकी बाउंड्री भाई, जहां तक नजर जा रही है वहां तक बाउंड्री है। और इधर क्या है भाई, इधर भी कुछ बाउंड्री सी, देखो ये देखो ये बाउंड्री दिख रही है तुम लोगों को, वहां तो पीछे तो ये महल की सेफ्टी नहीं होती करते थे पहले, महल के अंदर जा रहे हैं। यहां पे भाई पार्किंग के रुपया तो बताते हैं 50-50 रुपए लिए दोनों गाड़ी थे। वेरी कॉस्टली, मास्क लगा के अंदर बढ़ाऊं क्योंकि यू नो सेलिब्रिटी आदमी भी तो है। तो भाई 200 रुपये पर आदमी की टिकट है, अभी अभी हमने लिए है, हम ऐसे मुंह फाड़ के अंदर बढ़ रहे थे तो फौजी कह रहा था भाई कहाँ बढ़ते जा रहे हो, पैसा वो पैसा खर्च हो और वो टिकट लेगा 200 रुपये, मतलब 800 रुपये की टिकट हुई हमारी। और ये पीछे महल दिखाऊं तुम्हें, महल दिखाऊं तुम्हें, डेंजर ये देखो, ये देखो मेरे साथ साथ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। अरे यो क्या है, कैफेटेरिया शॉप इन कैफे, और इसमें तो सैनिटाइजर पी ले, यहां तो है ही ना कोई। भाई पेटीज खाने का जी करेगा मुझे तो, वापस आते खाएंगे वरना भी पेट, वापस आते खाएंगे ना तो चढ़ना पाएंगे मुंह पर, ट्रैकिंग भी तो है। आओ पानी बोतल तो ले लें, पौधों के लिए पानी, हम सिर्फ बियर पियेंगे। भाई देख लो, राव साहब यहाँ भी नाम रोशन कर रहे हैं। सब चीज सही थी, सब चीज सही थी, इधर से आवाज आई कि यहाँ पे किराए के कमरे चिन्ह दो, कहाँ छुपा है, शिकल दिखाने लायक भी ना आयो। भाई यो देख लो, यो है एलिफेंट हाथी के ऊपर रखने का ये सारा सिस्टम, हाथी का म्यूजियम है क्या, मतलब हाथी के ऊपर रखे करते सारा सामान। ये भी अच्छा सारा एलिफेंट वाला है, ओके ओके, ये भी एलिफेंट का ही होगा फिर तो, देखिए भी एलिफेंट ही है भाई, ओ भाई बढ़िया, ये बढ़िया, ये सबसे बढ़िया, इसमें धूप ना लगेगी बिल्कुल भी। आगे चलते हैं, ये म्यूजियम के अंदर हम लोग। गाइस ये मेरे पिछले जन्म की फोटो है, जब मैं छोटा बच्चा था, राजा का लड़का था मैं एक्चुअली, है ना। तो अभी अपने घर के अंदर जा रहा हूँ मैं, देखो भाई हमारे पापा, पापा ने कितना बढ़िया काम करवा रखा था पिछले जन्म में, और ये आ गया। ओहो इतने बढ़िया घर में रह करता क्या मैं भाई, वाह मौज कर दी भगवान कसम। मेरा वो किधर है बेडरूम, बेडरूम किधर है मेरा, राजा महाराजा वाला, वजीराबाद में, अच्छा वजीराबाद का होटल। सो गाइज ये है हमारा दौलत खाना, जहाँ पे हम दौलत रखते थे पहले। ये देख लो इन मटकों के अंदर दौलत रखते थे। ओहो अच्छा जी, ओ भाई जो ही तो है मेन चीज, जो है मेन चीज गाइज, जिसमें रानी आया करती या राजा जाएगा, रानी राजा, राणा राज, रानी राजा दोनों। ओ भाई बंदूक, इतनी बड़ी बंदूक, ये कौन चला हुआ भाई, ये तो घनी बड़ी होगी। और भी कुछ है क्या सौदा इधर भाई, जो है कैनन, कैनन मतलब मुझे पता ना, पर यो कुछ भी हो हाथ में लेके सिर फोड़ने वाला का है क्या, या फिर इसके अंदर तो तोप चलती होगी, गोला डालना करो। अच्छा गोला डल है क्या इसमें, लग तो ना रहा इतना स्पेस की गोला डल के बाहर निकल जाता होगा, कुछ भी हो भाई वो बड़ी गदा है, छोटा गोला होगा अर्जित की तरह, छोटा गोला है, छोटा गोला। अब भाई आगे चलते हैं, ये क्या है भाई सामने, एक मिनट रुको, सारी चीज देखेंगे यार। यो है यार इंग्लिश में और लिख रहा, तोरण एंड मोड भाई, हिंदू वेडिंग इट इज प्लेस एट द एंट्रेंस ऑफ, पढ़ लेना भाई रोक के पढ़ लेना, यो भाई हिंदू वेडिंग का कुछ सिस्टम है देख लो भाई, बड़ी बढ़िया घर के सामने लगा ही। और यो क्या गणेश भगवान, जी जय गणेश भगवान की भाई। आओ आपकी तलवार दिखाता हूँ पिछले जन्म की, आओ वो भाई हमारी तलवारें, यो इसके तो ये हमारी पिछले जन्म की तलवार है, महाराजा अजीत सिंह 1707 से 1724 तक की भाई, ये इसके अंदर इसका कवर है मयान जिसको बोलते हैं, और ये तलवार इसके अंदर से निकालो। ओ भाई बड़ी कैडी तलवार है, धार धार है ना, तेरी का चार हो जाए तो हाथ पिछले जन्म को तो बदल ले ले, मैं तो मारने वाला, चल लो भाई आओ आज कर ले दो हाथ, ठीक है मैं वो तोप ले आऊंगा, मैं ऊपर बड़ी पिस्टल आई, ठीक है बड़ी पिस्टल बंदूक भाई, ये वो डिजाइनर बंदूक ना, डिजाइनर तलवार सॉरी, ओ भाई बढ़िया डिजाइन लग रहा तुम्हारी कसम, यो किसकी तलवार है, ये काटे किस तरफ से, यो भी अभी यूनियन की है, मैं पापा की पुराने जन्म में फिर पापा रह गए, अरे भाई मैं पुनर्जन्म तो लिया मैंने वजीराबाद में, तो यहीं का हूं मैं। ये देख लो भाई तलवार देख लो तुम कितनी डेंजर, एक नंबर, और भी तलवार है बहुत सारी दिखाऊंगा। ये देखो ये उनकी है सैनिकों की,
और दिखाऊंगा अज्जू अज्जू भाई तलवार तलवार दिखा दो अपनी सॉरी ये रही ना भाई वाह भाई यो देख लो पुराने टाइम का हुक्का जो हम हुक्का पी रहे हैं हमारा ऐसा हुक्का क्यों नहीं है अज्जू भाई ऐसे लेके चलते हैं ना एक ऐसा हुक्का ओ भाई बहुत सेक्सी भाई बहुत अच्छा लग रहा है जेन्युइनली देखो ना ये देखो हुक्का देखो भाई तुम पुराने टाइम का जो शौकीन आदमी पिए करते हो देखो मोर देख लो भाई लग नहीं रहा कि पुराने टाइम का है जिस हिसाब से वो सारा काम कर रहा है राजस्थान के लोगों ने बड़े प्यार से रखा इसलिए इतना बढ़िया है आज तक ये देख लो साइड में इसमें चाय वाला होगा अरे वो होगा मदीरा वाला मदीरा वाला ओहो मदीरा मदीरा तो फेवरेट है और क्या मदीरा अरे हमारा का फेवरेट है आपका होगा भैया ये देख लो भाई पुराने टाइम के बर्तन दिखाऊं तुम्हें इसमें इसमें वो रखे करते चुड़ैल उड़ैल अपना खाना खूना झाड़ फूक मेरी शेरवानी कहाँ है शेरवानी ओहो भाई रे भाई मेरी शेरवानी देख लो भाई ये देख लो भाई वाह जेन्युइन इसको पहन के ना सेक्सी लगता हुआ बंदे टाइम में अरे पहले यार मैं खाता पीता ज़्यादा था तो ये सिस्टम था मेरा अब और दिखाता हूँ भाई ये क्या है भाई यू क्या चीज़ है लोग अरे यू ताड़ा ताड़ा इतना बड़ा ताड़ा वो भी ताड़ा भाई यू कैसा ताड़ा भाई उसकी चाबी दे चाबी यो भाई चाबी है ये उसका ताड़ा मतलब कि लॉक एंड की भाई ये है गॉडेस गंगौर गॉडेस देवी की मूर्ति गंगौर देवी की मूर्ति भाई बहुत अच्छी ये देखो अभी तक इन्होंने सेफ रख रखी असली सोना होगा इसके ऊपर भाई ज्वेलरी कितना तोड़ा काम कर रखा है भाई ज्वेलरी भी अच्छी है सब चीज अच्छी रुपया देखो बहुत अच्छा म्यूजियम है रुपया पहले का सिक्का देख लो गाइस ये देख लो पहले के सिक्के अंग्रेजों के सिक्के अंग्रेज ने ऐसे सिक्के चला रखे थे भाई देख लो अपने रोक के पढ़ लेना देख लो मारवाड़ सिक्के का ही था मारवाड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से ये ईस्ट इंडिया वाले कौन से ये मरवा भाई बहुत बढ़िया ये देख लो हमारी जिनका मैं वेट कर रहा था हमारी तोपे बंदूक है भाई इतनी बड़ी बंदूक का मेरा समझ नहीं आ रही भगवान कैसा मुझे देख रहा हूँ कितनी बड़ी मैं इतना लंबा ओ भाई मेरे तो लंबी बंदूक है यू तो वो वाली होगी नीचे तो मारते बहुत मार देंगे भाई एक गोली निकटती गैल ना यहाँ पड़गी ना पीछे तो निकटती होगी दो आदमी मार देती होगी एक बारी में इतनी बड़ी गोली है ना ये वो है ना इसकी गोली तो बड़ी गोली ये पॉइंट में मार चुका हूं 12 बोर है 12 बोर भाई ये देख भाई यहाँ से निकल चुके हैं अब जा रहे हैं क्या तो दूसरे म्यूजियम में जा रहे हैं या फिर दिखाएंगे छत जहाँ से पूरा जोधपुर दिखता है मतलब पूरा जोधपुर ये पीछे वो देख लो कॉरिडोर यहाँ का ये देख लो जहाँ पे मतलब रानियाँ चलती होंगी मतलब हमारे वो चलते होंगे बुआ हुआ चलती होंगी हमारी नो फ्लैश नो फोटोग्राफी सॉरी गाइज मैं वो नहीं कर सकता अब यहाँ पे फोन नहीं रख सकता मतलब चला नहीं सकता सॉरी मैंने फोन खोल लिया अब हम आ चुके गाइज शीश महल के अंदर यहाँ पे शीश महल है इसके अंदर हम आए देखता हूँ भाई शीश महल का मतलब क्या होता है दिखाता हूँ यो कैसा शीश महल भाई अच्छा यो है शीश महल भाई यो है शीश महल यो देख लो शीश महल मतलब यो कैसा शीश महल अरे यार मुझे लगा वैसे ये बना रख के शीशा लगा दे उस ऊपर अच्छा चीजें रख के उसके ऊपर शीशा लगाने को शीश महल कहते हो भाई यो देख लो ड्रेस देख लो भाई क्या कहते हैं इसको अंग रक्षा है भाई अंगरक्षा आर्मर मतलब वो है लेवल 2 की वेस्ट भाई ये है पंचायत भवन जहाँ पर पंचायत हो करती पहले बैठ के डंड दे दे गल गल दस्ता नहीं गल गल डंड दे दे डंड करे हुक्का पानी बंद पंचायत ना वो तो डांस अच्छा डांस का सिस्टम है क्या अभी देख लो गाना गुना संगीत बजे अच्छा गाना संगीत का है क्या फूल महल है फूल महल भाई यहाँ पे संगीत होता था भाई देख ओ शिट भाई अपने घर में करवा लो ऐसा काम घाटा में अब हम पी रहे हैं यहाँ पे चॉकलेट शेक स्वीट लस्सी मिल्क रोज यू मिल रहा है यहाँ पे भाई मैं तो लूंगा मीठी लस्सी भाई स्मार्ट वाटर क्या है स्मार्ट वाटर मतलब स्मार्ट वाटर नॉर्मल पानी होगा मलूक पानी अंकल जी लस्सी कर दो भाई क्या लेगा तीन लस्सी मैं नहीं पी रहा तू क्या पी हुआ अरे कुछ तो पी ले ओहो या वो प्याज वीडियो में देख लो मेरे एक बार टैंक फुल होगा भाई जोधपुर की लस्सी ले ली हमने महल के अंदर था योरी एक गिलास योरा एक गिलास जो तो पीना रहा ये एक गिलास योरा एक गिलास अज्जू भाई का और बहुत बड़ी लस्सी जेन्युइनली राजस्थान की सारी चीज मेरे को पसंद है भाई मैं पहले राजस्थानी तो था अभी तो मैं सीन दिखाऊं तो मजा आ जाएगा जहां हम खड़े ना वहां टॉप है देखो पूरा शहर दिख रहा है एक मिनट रुको यहां से दिखेगा पूरा वो मतलब जोधपुर दिख रहा है या फिर शायद ना भी दिख रहा मेरे को नहीं पता बिल्डिंग भी है यहां पे चलो हो ही बहुत बढ़िया बात है और अभी कुछ बोल रहा था यहाँ पे यार नीचे लेक दिखाऊं तो मैं ओ ये देख लो सिस्टम भाई फोन की क्लैरिटी भी मेरी कैड ही है कुछ भी कहो मजा आ गया देख लो आर्किटेक्चर है ना कि जोधपुर ब्लू सिटी है तुम ब्लू सिटी देख लो गाइस ये देखो सामने पूरा ब्लू 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 यो क्या ऑब्सेशन है ब्लू का ब्लू यहाँ ना नीला पेंट सस्ता मिला नीला पेंट सस्ता मिला ना भाई देखो ब्लू सिटी देख लो गाइस जिसने इसको नहीं पता हो
और फिर अच्छा पिंक सिटी, जयपुर, ब्लू सिटी, जोधपुर, भाई वो देख लो किले का रास्ता देख लो, तो ऊपर नीचे जाने का मतलब जो भी होगा पहले के टाइम पे मजा ही बांध दिया बाउंड्री का। पार्क जहाँ पे महल में वे बालक उनके क्रिकेट क्रिकेट खेले करते हैं, जो भी गेम खेले करते हैं, और यहाँ पे ये उनका साइबर कैफे जहाँ पे वे कंप्यूटर चलाए करते हैं बालक उनके पुराने जमाने के। सामने कढ़ाई दिख रही है, इसमें खाना ओ भाई रे आदमी तक ट्रिपल है कढ़ाई भाई, फिर ये ना पूरा महल का खाना बनता था। अच्छा पूरे महल का खाना बनता था पर राजा का अलग बनता था छोटी कढ़ाई में, ये मेरे साथ तेरे जैसों का खाना बनता हुआ इसमें खेलेगा देख लो भाई। वहाँ आए थे महल में, ये यहाँ था इंटरेस्ट थी। अब जा रहे हैं हम लोग आगे इसके एंड पे, ये देखो बेल बॉटम तो देख लो भाई की। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे जो टॉप पे, मतलब जहाँ से व्यू आता, अभी तो व्यू दिखाऊंगा नहीं तो मैं तुम्हें पता चल गया कि ये देखो पहले तो बाउंड्री देखो, ये पूरी वो है क्या कहते हैं जो भी है वॉल है यहाँ की, और ये सामने देखो नीचे का सिस्टम देख लो भाई, वो शिव जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है ना, हाँ शायद नहीं पता मतलब पीछे से पता नहीं चल रहा, और सामने सीढ़ी वगैरह मंदिर है इस साइड, और ये देखो इधर तोप लगा रखी जो मतलब अपनी बाउंड्रीज पे तोप लगाते थे ना दुश्मन आते थे वहीं से ही फायरिंग मार के उनको गिरा देते थे भाई, ये देख लो तोप ही तोप लाइन थे, अब नहीं चलती क्योंकि जंग लग रखी है। और भाई इस साइड जाना ना अलाउड नहीं, तो उस साइड जाके ना तुम्हें नीचे का व्यू दिखाता, बट मेरी हाइट थोड़ी सही है ना तो इसलिए फोन ऊपर करके ना तुम्हें यहीं से दिखा देता हूँ। लंबी हाइट का नुकसान ये है कि छोरी ना मिल रही रिश्ते के लिए, और लंबी हाइट का फायदा तुमने अभी देख लिया, तुम्हारे भाई ने पूरा व्यू दिखा दिया यार, ये देखो ना क्या सही लग रहा भाई साहब महल मूल में, मेरे को अपने पुराने जन्म की याद आ रही है अब यार। भाई वापस निकल चुके हैं और पैरों में से ना ब्रेक ना लग रहे, मतलब ये देख लो ये एग्जिट है, मतलब एंट्री भी हुई थी एग्जिट भी हुई है, सामने को देख लो भाई ऐसे निकलते जब एग्जिट होता ना तो ये सौदा आता है, और ये बालक भी दिखते हैं ऐसे, देखो हर बार दिखेंगे तुम्हें यहीं बैठे हैं ठीक है। तो सारे भाई निकल चुके, सॉरी मैन, सारे भाई निकल चुके हैं, बस गिरने का ध्यान रखना भाई, यहाँ पे थोड़े वैसे पत्थर हैं इनका तो पैर मल के कह रहा, ये कैसे बनाते होंगे बाहर के एरिया भाई, नु कह रहे बाहर के एरिया कैसे बनाते होंगे भाई, ये जब बना रहे थे मेरे तो बता ही ना लेबरों ने कैसे बनाया वाला थोड़ी ओहो लेम जोक्स मार के छिनिया थोड़ी तो बने। अच्छा सीढ़ी लगा के बन जाओ, बनाते हैं पेड़ बांधते हैं पेड़, अच्छा कौन सा पेड़, अरे वो पेड़ नहीं बनती जिससे सब चीज नॉर्मल थी। पीछे था ना मुझे एक आवाज आई, पीछे एक आवाज आई कि यहाँ तय जब रथ उतरता होगा तो अगर किसी घोड़े का पैर फिसल के रथ गिर जाता होगा तो राजा की कितनी बेइज्जती होती होगी, पर जाकर आ गए बता भाई, कौन कह रहा था, यो ही कह रहा था, शर्म शर्म नहीं आ रही नुकारा, नुकारा घोड़े का पैर ऊपर अगर यहाँ तक घोड़े रथ लेकर आ रहा, घोड़ा मुड़ गिर कम पड़ जावे तो राजा की कितनी बेइज्जती होती होगी भाई, गाली दो सारे कमेंट कर, बेशरम बेशरम आदमी है बेशरम, लक्ष्य लक्ष्य भाई मिलने आए मेरे भाई, बहुत बढ़िया लगा तुम्हारा राजस्थान, थैंक यू ठीक है भाई, मिलते हैं बहुत जल्दी। हाँ सर भाई, अभी जितने भी भाई मिले मेरे यहाँ राजस्थान फोर्ट के, मतलब ये मेहरानगढ़ फोर्ट में मिले, और जो मैंने व्लॉग में लिया भाई, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सबका पहुंचने के लिए वहाँ तक। मैंने स्टोरी डाली थी, मुझे ऐसा लगा कि मतलब निकलते निकलते स्टोरी डाल देता हूँ, बट स्टोरी के चक्कर में भाई बहुत सारे लोग आ गए तो वहाँ से निकलना पड़ा, और इस टाइम पता नहीं क्या भीड़ हो रही होगी नहीं हो रही मेरे को नहीं पता, बट अब निकल चुके हैं भाई हम जैसलमेर के लिए, गाड़ी में तेल हो रहा बिल्कुल खत्म, और पीछे पीछे गाड़ी लग रही है यार, मैं रोक भी नहीं पा रहा गाड़ी कहीं भी, बट कोई नहीं पेट्रोल पंप मिलेगा, रेगिस्तान शुरू हो चुका, मतलब रेगिस्तान वाला एरिया होता ना दिखाता हूँ अभी, बट तेल भरवाएंगे उसके बाद निकलते हैं जैसलमेर के लिए, उससे पहले कहीं खाने पीने रुकेंगे अभी देखते हैं सिस्टम बताता हूँ अभी थोड़ा, मैं आ गया डेजर्ट एरिया में दिखाऊं भाई, ये देख लो वैसा आ गया बंजर जमीन सी रहे ना, ये देखो पहाड़ पूड़ कट रहे, मतलब कि वैसा यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया, ये वो है पत्थर बना पत्थर बनाने की मशीन है क्या जैसे तू दूसरी मशीन है। तो भाई ये रास्ता देख लो सही है रास्ता, तो जैसलमेर जाता है भाई, तेल देख लो पीली बत्ती चस रही है, कती एम्प्टी होने वाला है, पेट्रोल पंप मिलते ही 10 किलोमीटर और चलेगी, पेट्रोल पंप मिलते ही भाई, पेट्रोल पंप 10 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा तेरे हिसाब से, होना तो चाहिए मुझे ऐसा लग रहा नहीं है, बट देखते हैं जो भी होगा, कहीं ना कहीं तक तेल करवा लिया फुल, बड़ी मुश्किल था एक पेट्रोल पंप मिला हमें, गाड़ी ने पिया हमारी ने 6120 रुपए का तेल, मतलब 6120 का तेल पिया हमारे, रिलायंस का होता ना पेट्रोल पंप, चलो जो भी हो पेट्रोल पंप तो मिला हमें, ऐसा लग रहा था भाई कदर रेगिस्तान में फंस जाए और हमारी गाड़ी मतलब तेल ना पी पाए और खाली पेट बेचारी थक जाए और उल्टी मार दे, कुछ भी कर सकती है। तो भाई अब सीधा रास्ता है हमारा जैसलमेर का, अज्जू भाई पीछे आ रहे हैं, अज्जू भाई अभी आ गए थे ना वापस आके घूम कर गांव मुड़ गया, मगा भैया पेट्रोल पंप ना दिखा का लेफ्ट में, तो अब सीधा जैसलमेर लगेगी गाड़ी, होटल वोटल तो सॉरी आई कांट टेक द नेम, जैसलमेर के रास्ते ये समझ लो प्यार हो गया मेरे को जैसलमेर के रास्तों से, अब रुके हम खाना खाने, थोड़ी थोड़ी ठंड भी स्टार्ट हो गई, मैंने जैकेट उतार दी थी ना, अब नेट ना चल रहा मेरा तो चल रहा है, तो भाई सारे भाई चल रहा है, चल रहा है सब चीज, क्या चल रहा है तेरा, मेरा तो वो चल रहा टाइम ये मारा सब 100 पे 100 वो मार दे इक्का मार दिया, तो भाई एक बार खाना खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे आगे। रोड कैसा लगे सही बताइए, रोड भाई जेन्युइन कसम से लगा 200 स्पीड में कैसी भगा, ना इतनी तेज भगानी नहीं चाहिए, बट रोड बड़े प्यारे हैं, अभी ड्रोन भी उड़ाएंगे शायद हम लोग, अभी बढ़िया उड़ा सके ना ड्रोन, कोई खाना खा चुके हैं और ठंड धीरे धीरे बढ़ चुकी है जैसलमेर का, जिसको नहीं पता या फिर राजस्थान का मतलब जहाँ पे रेगिस्तान टाइप एरिया होता है भाई, सुबह होती है गर्मी, रात को होती है बहुत ज्यादा ठंड, तुम तो पहली बार हैं, अरे नहीं भाई
बहुत ठंड होती है भाई, इनको नहीं पता था। रेड एप्पल ले लो, रेड एप्पल छोड़। तो भाई अब मैंने तो स्टॉल पैर लिया, मैं गाड़ी चलाएगा अर्चित, पीछे थोड़ी देर सोऊंगा मैं, सुबह तक सोना रखा, मुझे नींद भी तो बहुत जल्दी आ जावे। तो भाई अब चलते हैं, ड्रोन सीन अभी आएंगे। Love always made